आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम मुंबई इंडियंस ने लगातार दूसरी और ओवरऑल पांचवी बार खिताब पर कब्जा किया। लीग में टीम की सफलता का राज उसकी परफेक्ट 11 रही। टीम में कप्तान रोहित शर्मा समेत सभी 11 खिलाड़ी मैच विनर साबित हुए। टूर्नामेंट में 450 रन से ज्यादा बनाने वाले सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ने आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेला। लीग में मुंबई के दबदबे एक वजह यह भी है कि उसमें रोहित के बिना भी जीतने की काबिलियत है। इस सीजन में 4 मैच में रोहित चोट की वजह से नहीं खेले थे। उनकी जगह किरण पोलार्ड ने टीम की कमान संभाली और 4 में से 3 मुकाबले टीम को जीत दिलाई। इस जीत के साथ रोहित की मुंबई ने एक और अचीवमेंट अपने नाम किया। वह लगातार 2 बार 2019 और 2020 आईपीएल खिताब अपने नाम करने वाली दूसरी टीम बन गई है। इससे पहले महेंद्र सिंह की धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010 और 2011 में लगातार खिताब अपने नाम किया था। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा और ऑलराउंडर किरण पोलार्ड 5 बार चैंपियन टीम का हिस्सा रहे हैं। दोनों ने टीम की जीत में अहम योगदान दिया है। जिस साल दोनों ने 250 से ज्यादा रन बनाए, टीम ने खिताब पर कब्जा किया है। रोहित की गैर मौजूदगी में पोलार्ड टीम की कमान भी संभालते हैं। रोहित शर्मा ने इस सीजन में 350 समेत 332 रन बनाए। वहीं पोलार्ड ने सीजन में 191.42 के सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ 268 रन बनाए हैं।